प्रयागराज में महाकुंभ की मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के घर पहुंचे सीएम योगी, बेटे और बहू को दिया आशीर्वाद। पूर्व मंत्री नारद राय का बड़ा बयान, बलिया में बंदूक के साथ चाकू का भी लाइसेंस बनता है। कांवड़ यात्रा से जुड़े फैसले पर बोले सुब्रत पाठक, भोजन जिहाद से बचाने के लिए जरूरी, कुछ लोग नाम बदलकर करते हैं लव जिहाद। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर लिखना होगा नाम, सरकार के फैसले पर भड़के राकेश टिकैत। लखनऊ में अकबर नगर वासियों ने किया प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर न्याय की लगाई गुहार। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, बांदा से। बांदा के जिला कलेक्टर परिसर कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र दिया और बताया कि हिंदुओं का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। हिंदू परिवार मंदिरों में जाकर पूजा और जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान मंदिरों के मार्गों और कांवड़ यात्रा निकालने वाले मार्गों में मांस की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए मांस की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। हमारा 22 तारीख से श्रावण मास शुरू होने वाला है, जिसमें कि हमारे कांवड़िया और मंदिर मार्ग मंदिरों में हमारी माताएं बहनें और कांवड़िया पूरे शहर में और पूरे ज़िले में निकलती हैं और आना जाना बना रहता है। इससे हम जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उस दिन जो है एक महीने तक जहाँ भी मांस मुर्गे की दुकानें हैं, अंडे की दुकानें हैं और ये सब बिरयानी बिरयानी की दुकानें हैं, ना ही ये कांवड़ यात्रा के मार्ग में ये दुकानें सब बंद कराई जाएं और शहर के अंदर जो भी शिवालय हैं, मंदिरों में, जहाँ भी रास्तों में ये दुकानें मार्गों में पड़ रही, उनको सबको एक महीने के लिए बंद कराया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ज्ञापन है, सावन के पवित्र मास में जो ये मांस की दुकानें सार्वजनिक स्थलों में पूजा स्थलों के आसपास खुली रहती हैं, इसको विश्व हिंदू परिषद कड़ाई के साथ बंद करवाना चाहता है। इस हेतु से हम जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं, अगर जिला प्रशासन इस मांग को पूर्ण नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं सड़कों में उतर करके उन दुकानों को बंद करने का कार्य करेंगे। आज किसको ज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है।